नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की। गिर गई और बड़े पैमाने पर 50 से 60 महिलाएं जो है उसमें दब, महिलाएं सिर्फ है। जी जी जी, जी। तो मैं आपको बता दूं कि तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो है आज का क्रम था और अचानक दीवार गिरने की वजह से यह बड़ा हादसा हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। बहुत ही दर्दनाक हादसा नौ जनपद की खुशी में शादी के दौरान जो है दीवार अचानक गिरने की वजह से। कितने लोग इसमें घायल हैं? इसमें कौन घायल? एक मरीज है, एक मरीज घायल है। हाँ जी, दीवाल गिर गया है। हाँ। उसी में घोसी। कैसे, कुछ जानकारी मिली क्या, कैसे हुआ है? वो दीवाल जो बरात वहाँ आई थी जी, वो दीवाल बाउंड्री थी, वो बालू काफी लोग उसमें मौजूद थे, सही तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। और तो मैं आपको अस्पताल पर देखिए, नगर पंचायत घोसी की घटना है। एक पुरानी दीवार बताई जा रही है जिसमें हमारे गांव की कुछ महिलाएं थी, वहाँ पे हल्दी की रस्म थी जा रही थी। अचानक से वो दीवार जो है वो भरभरा के नीचे पर गिर गई, तो उसमें कुछ 22 लोग बताए गए जो कि फ्रिज दब गए थे, जिसमें कि 20 महिलाएं और 2 बच्चे थे। और जब उसको वहाँ से मलबा तत्काल हटाने के लिए जेसीबी वगैरह बुलाई गई, उसमें से 4 महिलाएं और 1 बच्चे की डेथ की रिपोर्ट अभी तक रिपोर्टेड हुई है। और बाकी जो जितने भी घायल हैं उन सभी को यहाँ जिला अस्पताल में, फातिमा अस्पताल में, प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बाकी प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस बल है, वो सब उसमें अभी इनको तत्काल उपचार देने, तत्काल राहत देने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग लगातार उनका मौका मुआयना कर रहे हैं। सर, मालवे में कोई दबे नहीं अभी नहीं है तत्काल, वहाँ पे 2 जेसीबी पहुँची थी और हम लोग वहाँ पहुँचे थे, तो पूरा हम लोगों ने साइट क्लियर करा लिया। अब यहाँ पे कोई दबा हुआ नहीं है, जितने लोग थे वो सबको निकाल लिया। किससे घर क्या कार्यक्रम हो रहा था? जी, किससे घर क्या कार्यक्रम हो रहा था? अब वो कोई स्थानीय वहाँ व्यक्ति थे, उनके यहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम था, हल्दी की रस्म थी, तो उसी के लिए महिलाएं जा रही थी, तो अचानक से वो दीवार वापस गिर गई। ठीक है, मामला हुआ है, क्या कुछ है घटना क्रम? ये ब्रजेश कुमार, एक सम्मानित परिवार हमारे टाउन एरिया घोसी में जहाँ शादी होकर के आज लोग लौटे थे। आज बहुत भोज था, सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, दीवार जो है गिर गई, आकस्मिक घटना थी और दीवार गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। जिले के विभिन्न अस्पतालों में लोग भर्ती कराए गए हैं, उनका जवाब उपचार चल रहा है। और हमने जहीन के मृतक परिवार है उसको कम से कम 50-50 लाख, घायलों को 10-10 लाख रुपये दे करके उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। वजह क्या रही है? घटना का क्या कारण निकल के आ रहा है? आकस्मिक घटना है, दीवार गिरी है। जेसीबी चल रही थी वहाँ देखने को मिला है, जेसीबी हटाया गया है, दीवार गिरी है, तो मतलब जेसीबी साफ करने के लिए ले, साफ करने के लिए। आपके तरफ से क्या कुछ मदद किया जा रहा है घायलों का, मृतकों का? मैंने वहाँ भी देख करके आया हूँ और मैंने बात भी किया भारतीय अधिकारियों से, जो हमको अधिकार है अधिकार हमको, उसका जितना अधिकार है उसका मैं उसका उतना प्रयोग उपयोग करूँगा इसको ठीक करने के लिए। तीन 4-5 लोग अभी मिले हैं, एक्सपायर नहीं है। जी जी।